नमस्कार, स्वागत है सभी का सिलसिला बाजार के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और आज काफ़ी दिनों के बाद कम्युनिटी मार्केट खुली है। फुल फ्लैज्ड सोमवार का दिन है, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है। जानेंगे कि आज सप्ताह के पहला कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है और नॉन एग्री एग्री कम्युनिटी के बाजार में कितनी मंदी तेजी बनती हुई नज़र आ रही है। किस कम्युनिटी में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन मुनाफा कमा के चला जा सकता है और आने वाले दिनों में कम्युनिटी बाजार कैसा रहेगा, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। रुपा जी, देख रहे हैं कैसे सीड का नवंबर राधा 6558 पर है और 6590 का ही लगा चुका है, 1% की तेजी है। रूपा जी देख रहे हैं आज भी 6500 के लेवल पर ही है, लेकिन पहले के मुकाबले धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ इसका जो बार ग्राफ है वो ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे कीमतें कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर बढ़ रही हैं, चाहे एक रेंज बाउंड में क्यों ना हो। अब आपको क्या लगता है, क्या इस कारोबारी सप्ताह कैसर के अंदर 6600 के लेवल अचीव होते हुए नजर आ पाएंगे? देखिए, उम्मीद तो है कि 6600 तक बाजार जा सकता है, लेकिन आज आप देखिए सभी एग्री कमोडिटीज ऊपरी स्तरों पर दबाव दिखाती हुई सभी कमोडिटीज के अंदर ऊपरी स्तर पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। छुट्टी के माहौल के बाद जब मार्केट खुले हैं तो काफी सुस्ती का माहौल है, कोई बहुत ज्यादा भी फिलहाल बाइंग आती हुई दिखाई नहीं दे रही है किसी भी कमोडिटी में। तो आज प्रेशर वाला दिन रह सकता है। कैसर की बात करें तो नीचे में 6500 से लेकर 6680 का स्तर फिलहाल बरकरार रह सकता है और ऊपर में एक्सपेक्टेड तो है कि एक बार आने वाले दिनों में 6800 से लेकर 7000 का स्तर भी बनता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन 6400 का अहम सपोर्ट है। अगर उसको ब्रेक नहीं करता तो यहाँ से वापिस से बाउंस बैक बन सकता है, लेकिन आज इंट्राडे में थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, ये से रूपा जी देख रहे हैं बिनौला खल पे भी आज कुछ प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। जो बिनौला खल 2500 के ऊपर था, 2600 जाने के लेवल्स दिए जा रहे थे, अब वो भी 2400 के घरों में है। हालांकि 2500 से ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5% की करेक्शन के साथ है। आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल में आज इंट्राडे में तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, आज मुझे लगता है कि दबाव बल्कि और गहरा सकता है। जिस तरीके से आज माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है सभी एग्री कमोडिटीज के अंदर ऊपरी स्तरों पर दबाव है, चाहे आप ग्वार गम देख लीजिए, बिनौला खल, मसाले, सब में आज प्राइसेस ऊपरी स्तरों पर फिसलते हुए नजर आया। जो एक त्योहारी सीजन की मांग निकली थी अब वो खत्म हो चुकी है, इस वजह से आज हम देख रहे हैं कि दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पोजिशनें स्केयर ऑफ हो चुकी है, तो प्रेशर जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि बिनौला खल भी 2400-2420 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है, तो फिलहाल 2400-2420 के स्तरों के लिए इस पे बिकवाली आ सकती है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि कॉटन का आउटलुक हम काफी अच्छा देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें भी तेजी बनती हुई दिखाई देगी और प्राइसेस ऊपर में 2600 तक फिलहाल जाते हुए दिखाई दे। जी, ये सर पर नजर डालें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की तरफ तो देख रहे हैं कि जो धनिया 8100-8200 पर कारोबार कर रहा था अब वो 7900 के घरों में कारोबार कर रहा है। धनिया के अंदर एक करेक्शन बनती हुई नजर आई है ऊपरी लेवल से, लेकिन वहीं पे नजर डालें अगर जीरा और हल्दी की तरफ तो जीरा 15400 के ऊपर निकला है और हल्दी 7600 के ऊपर। जीरा और हल्दी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। त्योहारी सीजन के पहले कुछ नरमी थी, लेकिन अब देख रहे हैं त्योहारी सीजन के बाद जीरा और हल्दी तेजी की ओर है। रूपा जी, ऐसे में आपको क्या लगता है, मसालों में हल्दी और जीरे में आगे तेजी रहेगी या फिर आइए आज इंट्राडे में सिमट के रह जाएगी? कि मुझे लगता है कि मसालों के अंदर अभी दबाव जो है अखिलेश बन सकता है। मुझे मसालों में पहले भी कोई बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, त्योहारी सीजन की मांग जरूर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसकी वजह से बाजार उठ सकते हैं। धनिया की बात करें तो मुझे लगता है कि 8000 जब तक सस्टेन है दिसंबर वायदा में, तब तक आप मान के चलिए कि ऊपरी स्तर जो है वो 84-8500 तक मैक्सिमम तेजी बन सकती है। वही नवंबर वायदा की बात करें तो नीचे में फिलहाल 7800 तक लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है, तो मुझे लगता है कि मसालों के अंदर फिलहाल जो है वो बाइंग की पोजीशन जो है बिकवाली का प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मसालों में जीरे की बात करें तो जीरे के अंदर भी फिलहाल कोई तेजी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जीरा भी 15500 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर में 15800 मैक्सिमम अपसाइड पकड़ सकता है, इससे ज्यादा तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वही अगर बात करें हल्दी की तो हल्दी के अंदर भी 7400 से लेकर ऊपर में 7100 का स्तर फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे सकता है, तो ये एक रेंज बन सकती है, इससे ज्यादा कोई बाजार ऊपर नहीं है। मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पर दबाव आ सकता है, तो इस वजह से इसके अंदर फिलहाल जो है बाइंग को रखना चाहिए। जी, ये सर रूपा जी रुक करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की ओर तो देख रहे हैं ग्वार गम और ग्वार सीड आज भी काफी अच्छी खासी शानदार तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्वार गम में देख रहे हैं 4% का ऊपरी सर्किट भी लग चुका है और ग्वार सीड भी 2% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रूपा जी, आपको क्या लगता है, क्या ये अच्छे लेवल से खरीदारी करने के लिए? देखिए, ग्वार गम और ग्वार सीड डेफिनेटली इसके अंदर बाइंग किया जा सकता है क्योंकि अभी
बाजार जो है, जो ये एक करेक्शन आज आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर है, लेकिन उस करेक्शन के बाद आज बाजार संभलते हुए भी नजर आए। पिछले दिनों जो हमने जबरदस्त गिरावट आते हुए देखी थी, उसके बाद आप देखिए आज 400 अंकों की तेजी है, यानी 4% के सर्किट ऑलरेडी ग्वार के अंदर लगे हुए हैं, चाहे वो गम हो या फिर सीड, दोनों में ही तेजी देखने को मिल रही है। सीड 2% की उछाल के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, और हमने जो 7,000 का टारगेट दिया था, मुझे लगता है वो भी अचीव हो चुका था। अब वापिस से बाजार जो है वो 7,000 के ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, और गम में भी 13,000 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आ सकती है। तो बिल्कुल जो जो लोग बाइंग करने से चूक गए थे, मुझे लगता है कि ये अच्छा मौका है, यहाँ पर वापिस से बाय करके चला जा सकता है, और ऊपर में वही टारगेट जो है एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं, और उसके ऊपर अगर सस्टेनेबिलिटी आ गई तो नए रिकॉर्ड सर्विस वार के अंदर देखने को मिल सकता है। जी ये सर, रूपा जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हाल ही में सोपा का जो सर्वे हुआ था उसमें तो ये निकल के सामने आया था कि इस बार सोयाबीन का रकबा बढ़ा है बुआई का, और जो प्रोडक्शन है वो पिछले साल के मुकाबले 14% ज़्यादा रह सकता है, लगभग 119 लाख टन का रह सकता है। लेकिन खबरें ये भी हैं कि भारी बारिश के चलते सोयाबीन की जो फसल है बड़े पैमाने पर तबाह भी हुई है, ख़राब भी हुई है, और अब किसानों ने अपनी सोयाबीन को स्टॉक करके चलना शुरू कर दिया है। तो रूपा जी ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन में आगे जाके अच्छी तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए अखिलेश, एडिबल ऑयल पैक में तेजी का रुझान नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अगर हम फंडामेंटल को देखें और जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि फसल डैमेज है और इसके ऊपर इसका प्रोडक्शन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, उसके चलते थोड़ा बहुत अगर प्राइजेस बाउंस बैक दिखा सकते हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी मुझे दिखाई नहीं देती है। मुझे लगता है कि ऊपर में ज्यादा से ज्यादा 55 से 57 बाजार जा सकता है, वहां से फिर फिसला तो नीचे में आप 5,000 तक के इसके स्तर देख सकते हैं। मैं फिलहाल उसकी बुलिशनेस में नहीं हूँ, मुझे लगता है कि रेंज बाउंड हो सकता है, 5,000 का लेवल अहम लेवल होगा, अगर वो ब्रेक होता है तो 4,800 तक नीचे आ सकता है। वहीं इसी के साथ अगर बात करें रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की, तो उसमें भी मुझे गिरावट दिखाई देती है, 1200 के नीचे बाजार लुढ़क सकता है, आज इंट्राडे में 1220 तक के स्तर हो सकता है कि देखने को मिले। वहीं अगर सरसों की बात करें तो सरसों भी 7800 तक लुढ़क सकती है। अब देखिए सरसों का भी वायदा जो है एक बार फिर से शुरू हो चुका है, और वापिस से इसमें 100 अंकों की आज गिरावट देखने को मिल रही है, तो 8,000 के नीचे मुझे लगता है कि नवंबर और दिसंबर वायदा लुढ़क सकता है। तो फिलहाल देखा जाए तो एडिबल ऑयल पैक में बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, मेरे हिसाब से इसमें बाइंग पोजिशन नहीं बनाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ कि जब तक कोई बहुत ज्यादा कोई बड़ा ट्रिगर मार्केट में नहीं आता, तब तक कोई बाइंग बनती हुई इसमें फिलहाल दिखाई नहीं दे सकती। जी ये सर, रूपा जी बात करें अगर कॉटन की, कपास की, तो मंडियों के अंदर तो हमने कपास की कीमतों में काफ़ी शानदार तेजी ऑलरेडी आती हुई देख ली है, 10,500 के ऊपर के भी भाव कपास की कीमतों में देखने को मिल चुके हैं काफ़ी मंडियों के अंदर, और इस बार का प्रोडक्शन भी पहले के मुकाबले कम है। लेकिन रूपा जी अब जो नेक्स्ट सीज़न होगा, जो आने वाला सीज़न है कपास का, उसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कपास की बुआई अच्छी देखने को मिल सकती है, प्रोडक्शन अच्छा रह सकता है, ऐसे में आपको क्या लगता है इसका असर कपास की कीमतों पर कितना देखने को मिल सकता है? देखिए कपास में अभी तेजी का ही रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि कपास का ना फिलहाल जो प्रोडक्शन की खबरें निकल कर आ रही है वो काफी सपोर्ट देते हुए दिखाई दे सकती है, और उसके चलते मुझे लगता है कि कॉटन के अंदर तेजी बन सकती है। और कपास भी अगर देखा जाए तो वायदा के अंदर ऊपर में मुझे लगता है कि 1800 के ऊपर निकल सकता है, आज जरूर प्रेशर है 1760 के आसपास फिलहाल सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, आपकी तरफ से एग्री कमोडिटीज के टॉपिक्स क्या रहेंगे जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए मुझे लगता है कि कैस्टर सीड में बाइंग बनाया जा सकता है, और कैस्टर सीड के साथ साथ ग्वार गम और ग्वार सीड, ये दो कमोडिटी ऐसी हैं जिसमें फिलहाल बाइंग करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है और उस पर रूपा जी की क्या राय है। तो फिलहाल सिलसिला बाजार का हमें बस इतना ही, लेकिन आपका एंजॉय नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूँ ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।